नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर नाइन और मैं हूं आपके साथ प्रीति शर्मा। भाजपा को लगा बड़ा झटका। विधानसभा क्रमांक 2 विजयपुर से भारतीय जनता पार्टी के 2 बार विधायक रहे बाबूलाल मेयूरा ने थामा बीएससी का दामन। शोपुर जिले की विधानसभा क्रमांक 2 से पूर्व विधायक बाबूलाल मेयूरा ने भाजपा से इस्तीफा देकर बीएसपी से लिया टिकट। विजयपुर में मची हलचल, भाजपा से टिकट न मिलने से नाराज थे मेयूरा। उनका कहना है कि भाजपा ने मुझे टिकट नहीं दिया और 2 बार के हारे हुए प्रत्याशी सीताराम आदिवासी को फिर से चुनावी मैदान में उतार दिया है। इस वजह से मैंने पार्टी से रोजान देकर बीएससी से चुनाव लड़ने का मूल बनाया है और आज मैंने बीएससी से टिकट देकर जनसंपर्क शुरू कर दिया है। सबसे बड़ा कारण ये है कि लगातार विजयपुर में भारतीय जनता पार्टी हारी और हारे हुए उम्मीदवार को पार्टी ने पुनः उम्मीदवार बना दिया। तो मैंने कहा ये तो गलत है, इस गलत सिद्धांत को मान करके मैंने बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन कर दी। तो जिस तरीके से देखा जाए आने वाले चुनाव में क्या रुझान रहेगा और जनता के लिए विकास, विजयपुर के विकास को लेकर आपका क्या एजेंडा रहेगा? सबसे पहले प्राथमिकता होगी मेरी विजयपुर में चैंडी घेरा बांध को बनवाना, नंबर 1। दूसरी होगी लोढ़ी का एक गामड़ी के पास एक स्थान है, वहाँ बांध बनवाने की। तीसरी प्राथमिकता बाईपास। चौथी प्राथमिकता धोबरी से टेंडरा का रोड। पहले भी आपने काफी प्रयास किया था मगर सफल नहीं हो पाए विकास को लेकर काफी। मैं जब विधानसभा में था उस समय मैंने अगरा के पास में बल्ब बनवाया पानी नदी पे गलौबी के पास, उसमें और बेवरा के नाले में बल्ब बनवाया। आज 50 गांव के लोग हासिल कर रहे हैं। जिस वक्त आप विधायक थे उस टाइम पर आपने क्या क्या विकास किए विजयपुर के लिए? गामड़ी में टेढ़ा नदी पे पुल बनवाया, जो जेल बनवाई, कई विकास कार्य। विजयपुर से एक आज की खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ खबर 9 में।